पूसावादा विर्मनि सिखापदं स्मादयामि पूसावादा विर्मनि सिखापदं स्मादयामि। माननीय माननीय, भारत में एक शब्द बहुत चलता है माननीय और माननीय, खास तौर से किसी व्यक्ति के लिए या किसी पुरुष या महिला के लिए, नर या नारी के लिए। जब कोई भाषण देता है या कोई लेटर लिखता है तो उससे पहले माननीय या माननीय लिखते हैं। ये शब्द प्रमुख बहुत है, मगर आपने कहावत सुनी होगी कि अक्सर जब लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं बड़ा माना हुआ है वो। अरे बड़ा माना हुआ है, जब वो ऐसा कहता है कि बड़ा माना हुआ है तो दो बातें यहां इंगित होती हैं, दो बातें यहां उससे रिफ्लेक्ट होती हैं, दो बातों का पता चलता है कि अगर वो अपनी भ्रकुटी तान कर यानी आंख ऐसे करके चौड़ी करके बोल रहा है बड़ा माना हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत ज्यादा खराब भी है और बहुत ज्यादा अच्छा भी हो सकता है। यानी माननीय का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, कोई महिला बहुत अच्छी है, या कोई महिला बहुत खराब है, या कोई जो नर है बहुत ज्यादा खराब है। जो माननीय शब्द है वो दोनों के लिए ही चलता है, अच्छे के लिए भी और खराब के लिए भी। दरअसल ये जो मान शब्द है, मान से सारे बने हुए हैं और मान के पाली के अंदर जो अर्थ आता है या जो मतलब आता है वो लगभग मिक्स जैसा है। दरअसल मान माने एक तो अहंकार होता है जिसको अभिमान भी बोलते हैं, यानी अभिमान होता है दोनों तरफ से, और मान माने होता है जो माना है, जो मानित है, जो आपने माना है। यानी कि अहंकार के लिए आता है, एक मान आता है मेजरमेंट के लिए, माप के लिए, यानी कि पुरानी भाषा में जो माप और मेजरमेंट है उसे मान बोलते हैं, और एक मान आता है पॉजिटिव के लिए जिसको कहते हैं कि पूजना। पूजना का मतलब होता है कि पावन वचनों को जानना, यानी कि जैसे बुद्ध की पूजा करना, तो पूजन का मतलब होता है बुद्ध के पावन वचनों को जानना। ये पूजा शब्द भगवान बुद्ध से या भगवान बुद्ध के बाद से ही चला है, उनके पावन वचनों को जानने को पूजन या पूजा बोलते हैं। तो यहां जो ये शब्द है माननीय या मान्य, दरअसल पाली के अंदर इसको बोलते हैं माननीय और मान्या, क्योंकि माननीय और मान्या का ही बाद में माननीया और मान्या बना है। मान से मानन बना है, मानित बना है, मानक बना है, मानद बना है। जब कोई डिग्री किसी व्यक्ति को दी जाती है जिसने वहां पढ़ाई नहीं की तो उसको कहते हैं कि ये मानद डिग्री है या मानक है, बस मान ली है, क्लास इसने नहीं की है इसलिए मानद डिग्री है। और कोई व्यक्ति को जब कुछ समूह के लोग या कुछ ग्रुप के लोग किसी काम के लिए चुनते हैं तो कहते हैं कि हमने इसको मान लिया। दरअसल बुद्ध के समय में मानने की कोई मान्यता थी ही नहीं, यानी माना हुआ व्यक्ति या जो मान्यता है या माननी है ऐसा कुछ नहीं होता था। वहां एक शब्द चलता था जो बहुत जबरदस्त था, जिसका नाम था जानने, यानी कि जानकार, जानने वाला। मानने वाला जानकार नहीं हो सकता, हो भी सकता है, मगर जानने जो व्यक्ति है या जाननिया जो महिला है उसको जानकार होना, उसको जानना, उसको अनुभव पे आना, उसे समझना बहुत जरूरी है, तभी वो जानकार होगा, तभी वो जानने होगा, तभी वो जानिया होगी। तो मान्या में और जानिया में, यानी माननीय में और जाननीय में जमीन आसमान का अंतर है। कहीं पूरे भारत के अंदर नहीं लिखा हुआ किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी किताब में कि आप किसी व्यक्ति को बोलने से पहले माननीय या मान्या शब्द लगाएं। ये आपकी इच्छा है कि आप उसे लगाएं या लगाएं, मगर ये दोनों ही बातों में नेगेटिव और पॉजिटिव में आता है। यानी अगर हम कहते हैं कि बहुत माननीय है तो वो या मान्य है तो इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत ज्यादा खराब भी हो सकता है, बहुत ज्यादा अच्छा भी है, यानी कि वो माना हुआ है लोगों ने, चाहे वो खराब माना है चाहे वो अच्छा माना है, इसलिए दोनों शब्दों में ये आता है। मगर अगर किसी के पीछे या आगे हम ये लगाते हैं कि जाननीय या जान्या, अभी तो इसका प्रचलन है नहीं, आप चाहें तो इसका प्रचलन आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जाननिया या जान्या लिखेंगे तो इसका मतलब वो जानकार है, जानता है, उस चीज को समझता है,
और इस लोग को इस बात को और भी लोग जानते हैं कि वो जानकार है, अच्छा व्यक्ति है। एक मान से ही शब्द बना हुआ है सम्मान। ये जो सम्मान शब्द बना हुआ है, से जहां लग जाता है पाली के अंदर उसका मतलब होता है निज, यानी से मान का मतलब होता है, सम्मान का मतलब होता है पाली के अंदर निज का अहंकार या निज की माप या निज की पूजा, निज को जानना, खुद को जानना। मगर आजकल के समय में सम्मान का मतलब होता है ये मानते हैं कि ये अच्छा मान है, अच्छा मान है, जबकि ऐसा है नहीं। से माने होता है निज मान, क्योंकि मान दोनों तरह के होते हैं। आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि ये हमारे मान है, गांव में चलता है वहां कहते हैं कि ये हमारे मान है। मान का मतलब है कि हमारी फैमिली में वो व्यक्ति नहीं है, मगर हमने उसको बाहर से अडॉप्ट किया है, यानी अपने रिश्ते में उसे बाहर से माना है, तो वो मान हो गया हमारे लिए। वो व्यक्ति अच्छा भी निकल सकता है, खराब भी निकल सकता है। कई केसों में जो बाहर से व्यक्ति परिवार में शामिल होता है शादी करके या किसी बंधन में, वो अच्छा भी निकलता है और खराब भी निकलता है। इसलिए सारे मान अच्छे नहीं होते, कुछ मान खराब भी होते हैं। मगर ये दो शब्द कहीं नहीं मिलेंगे आपको, सुमान और दुमान या कुमान। दुमान और सुमान, क्योंकि मान और सम्मान को लगभग पॉजिटिव भाषा में इतना ज्यादा प्रचारित किया गया कि इसका जो अहंकार वाला हिस्सा था वो थोड़ा सा दब गया, जबकि पुरानी भाषा में अहंकार वाला जो शब्द था उसका ज्यादा प्रचलन था। इसलिए आज की कहावतों में कहते हैं, अरे बड़ा जाना माना है, माना हुआ बंदा है भाई, माना हुआ बदमाश है, माना हुआ है पूरा। तो माना हुआ निगेटिव सेंस के लिए भी आरंभ होता है, और कोई माना हुआ कलाकार या माना कुछ होता है, यानी लोगों ने उसको मान्यता दी है, तो वो पॉजिटिव सेंस में भी आता है। इसलिए दोनों ही इसके अर्थ हैं। मैं इसलिए इस बात को आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग डर की वजह से या किसी ना किसी कारण से किसी ऐसे व्यक्ति को बड़े मान्य मान्य करके बोलते हैं कि इसको सबने माना है, हम भी मानते हैं, डर के कारण मानते हैं या किसी कारण, जबकि वो व्यक्ति अपने कर्मों से बहुत ज्यादा खराब होता है। तो एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा कि जब व्यक्ति खराब काम करता है तो हम उसको मान्य या माननीय क्यों बोलते हैं? तो इसका जवाब पाली के अंदर बिल्कुल स्पष्ट है कि माननीय या मानना सिर्फ मान्यता है, वो अच्छा और खराब दोनों के लिए आता है। कोई व्यक्ति, कोई महिला खराब हो सकती है तो भी वो मानी हुई हो सकती है, और कोई व्यक्ति, कोई महिला बहुत अच्छी भी हो सकती है तब भी वो मानी हुई हो सकती है। बहुत ज्यादा आपको अगर उसमें दिक्कत है तो आप उसको सुमाननीय बोल दीजिए। सुमाननीय का मतलब है बहुत अच्छा माना हुआ, या उसको दुमाननीय या कुमाननीय बोल दीजिए। अगर दू और कु लगा देंगे तो फिर वो खराब मान्यता में आ जाता है। तो इसलिए आप उसको पूरी तरह से बोलिए, सुमान्य या कुमान्य या दुमान्य, तो फिर आप क्लियर हो जाएगा। खाली आप मान्य लिखेंगे तो उसमें फिर हिडन होता है, छिपा हुआ होता है कि ये जाना माना गुंडा और बदमाश है, या जाना माना ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, या जाना माना देशद्रोही है, या जाना माना ये देशभक्त है, या जाना माना ये देश को बहुत आगे ले जाने वाला व्यक्ति है, या जाना माना ये देश को गड्ढे में ले जाने वाला व्यक्ति है। ये जाना माना दोनों तरफ से उसी हिसाब से आरंभ होता है और लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। आप इसको समझिए। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं।
धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Sangam Sarnam Gacchami.